सोलन जिला के उच्च घाट सुल्तानपुर रोड पर एक ट्रक व मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। ये दोनों युवक सोलन में ही रहते थे और सोलन के निजी विश्वविद्यालय में बीटेक व एचएम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है, वहीं ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है। सोलन जिला के उच्च घाट सुल्तानपुर रोड पर एक ट्रक व मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों में एक बीटेक व दूसरा होटल मैनेजमेंट का छात्र था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि बाइक पर युवक साहिल और आशीष जीरो पॉइंट की ओर जा रहे थे और रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक की चालक साइड से बाइक टकरा गई, जिसके कारण युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र सोलन में ही रहते थे व सोलन के निजी विश्वविद्यालय में बीटेक व एचएम कर रहे थे। सोलन पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक व ट्रक की दुर्घटना की जानकारी मिली है व दोनों युवा मृत घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुसूदन शर्मा ने कहा कि हेलमेट का प्रयोग न करने वालों पर पुलिस नकेल कसेगी व ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में यातायात नियमों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एक्सीडेंट में अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि दो स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो सूचना मिली थी उसके आधार पर एक ट्रक का नंबर बताया गया था, उसको डिटेन कर लिया गया है। आगे अन्वेषण जारी रहेगा। अभी अन्वेषण पे पता चलेगा कि इसके बारे में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अब ये कोशिश करेंगे कि हर कोई हेलमेट पहने। नहीं पहनेंगे तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, मोटर व्हीकल एक्ट में जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इसके बारे में हम योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करेंगे और मेरा आप जनता से भी ये अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है कि आपको जब भी कोई लगे कि इस समय के दौरान, कई बार पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं कि इतने से इतने बजे के बीच में बहुत लोग जो हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।